सो बिजनेस एक्टिविटीज बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज विच आर इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कॉमर्स राइट तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री की इंडस्ट्री क्या होती है इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सिस इनटू टू यूजफुल गुड्स तो जहां पर हम रिसोर्सिस को कन्वर्ट करते हैं इंटू यूजफुल गुड्स और उसका पर्पस क्या होता है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस की ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पार हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं यूजफुल गुड्स में हम या तो ह्यूमन बींग को यूज करते हैं या हम मशीनरी की पार को यूज करते हैं दैट मीन्स बाई यूजिंग द मैकेनिकल पार्स वी कन्वर्ट द रॉ मेटीरियल इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और बाई यूजिंग द ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट द रॉ मेटीरियल इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट राइट इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी पहले हम प्रोडक्ट यूटिलिटी कर चुके हैं प्लेस यूटिलिटी कर चुके हैं नाउ वट इज फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ गुड्स इन दैट फॉर्म विच सूट्स द ऑब्जेक्ट्स रॉ मटेरियल को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है इंडस्ट्री जिस फॉर्म में हमें वो चीज एक्सेप्टेबल है या हमारे लिए कन्वीनियंट है सो दिस वे इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर ठीक है द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज टू मोल्ड द रिसोर्सिस विदेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर एंड कैपिटल सो एज यू ऑल नो की प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं ठीक है प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत होती है दोज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके अंदर हमारे पास आती है लैंड लैंड के बिना प्रोडक्शन कर सकते हैं हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते चलो लैंड आ गई हमारे पास मशीनरी है हमारे पास लेकिन क्या लेबर के बिना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते तो लेबर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नाउ कम टू कैपिटल राइट कैपिटल अगर हमारे पास नहीं है कैपिटल इज द लाइफ ब्लड कैपिटल मीन्स मनी फाइनेंस ठीक है कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस तो अगर कैपिटल हमारे पास नहीं है तब भी हम जो बिजनेस है या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते ठीक है तो इसीलिए ये फैक्टर्स होने बहुत जरूरी है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का पर्पस होता है रिसोर्सेज को मोल्ड करना किस फॉर्म में मोल्ड करना जिस फॉर्म में वो हमें एक्सेप्टेबल हो हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं उस फॉर्म में उन्हें मोल्ड करना विद दी हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है और उस फॉर्म में जो फॉर्म हमारे लिए फिट फॉर यूज हो ठीक है अब जो इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है गुड्स प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री वो दो तरह के होते हैं या तो वो कंज्यूमर गुड्स होंगे या वो प्रोड्यूसर्स गुड्स होंगे सो जितने भी गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है इट कुड बी कंज्यूमर गुड्स और इट कुड बी प्रोड्यूसर गुड्स अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो वो गुड्स दीज गुड्स आर मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर मतलब जब भी वो प्रोडक्ट बना है उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल शूज जब भी शूज बने हैं हम डायरेक्टली उनको वियर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स क्लोथ्स बनने के बाद हम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन तो ये है द गुड्स विच आर मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द यूजर्स बाय द कंज्यूमर्स उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स नाउ फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर गुड कुछ कुछ आइडिया तो आपको लग गया होगा तो दोज गुड्स है ना दीज आर गु इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड प्रोड्यूसर गुड मतलब वो गुड्स जो कि प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स फॉर एग्जाम्पल स्टील अगर मैं स्टील की एग्जाम्पल लू तो स्टील हम डायरेक्ट स्टील तो नहीं परचेज करते हम स्टील के बर्तन परचेज करते हैं और स्टील की बनी हुई चीजें लेते हैं लॉक एंड की ताला चाबी वो लेते हैं तो मीन्स कि स्टील से बहुत सारी चीजें बनती हैं तो इसीलिए जो स्टील है वो प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि प्रोड्यूसर उसे परचेज करता है और फर्दर इसकी प्रोडक्शन करता है फॉर ऑफ अदर गुड्स की इसके साथ ठीक है उसके अलावा मशीनरी इज द अनदर अदर एग्जाम्पल की जो मशीनरी है उसको एज सच कंज्यूम नहीं किया जा सकता मशीनरी से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि फर्दर कंजम्पशन में हेल्प करते हैं या जो कि फर्दर कंज्यूम किए जा सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आती है फैक्ट्री बिल्डिंग की अब मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग तो परचेज कर ली ठीक है क्या उसको मैं ऐसे ही कंज्यूम कर सकती हूँ बिल्कुल भी नहीं फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी ऑन करेंगे और वो उस प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हम कुछ ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर क्लियर तो दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं दो तरह के गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड एंड अनदर वन इज प्रोड्यूसर्स गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जा सकते ठीक है अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है इंडस्ट्री और किसको कहा जाता है द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो मीनस ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स लाइक ग्रुप ऑफ फर्म्स आर देयर और वो अगर सिमिलर या रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स आर देयर और वो सिमिलर और रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन सभी को कंबाइंडली भी हम इंडस्ट्री बोलते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होगी जितनी भी फर्म्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं जितनी भी फर्म्स उन सभी को मिला के उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लेट अस टेक एन एग्जांपल सोनी इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हितैची इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एमेजोन डेल नोकिया इनटेल इज प्रोड्यूसिंग ऑल दीज फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और वेन वी कंबाइंड ऑल दीज टूगेदर दीज फॉर्म दीज फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इस इन सभी फॉर्म्स को इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं कि दीज आर इंडस्ट्री राइट सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रॉड अभी तक हमने हमने क्या करा हमने कहा कि बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड करी जाती है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में उसके बाद हमने करा कि इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स ठीक है सो so, अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज तीन ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री अनदर इज सेकेंडरी इंडस्ट्री थर्ड वन इज टेरशरी इंडस्ट्री तो इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं दैट आर रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं उसके अलावा अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भी वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है मीन ऑल एक्टिविटीज आर विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स ठीक है सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है दैट इज ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज ठीक है ध्यान से सुनिएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं जिन इंडस्ट्रीज के अंदर हम प्रोडक्ट रेज करते हैं फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज से हम प्रोडक्ट को रेज करते हैं लाइक like सॉइल में से कुछ रेज कर रहे हैं एयर में से कुछ ले रहे हैं वाटर में से कुछ निकाल रहे हैं या बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ में से हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो ये सारी कौन सी है एक्सट्रैक्टिव एक्सट्रैक्ट मतलब टू कीप इन मीन की हम वो चीज निकाल रहे हैं फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज राइट सो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है टेक एन एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ अगर धरती के नीचे, नीचे आपको पता है मिनरल्स होते हैं अगर हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं धरती के नीचे से तो वो क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ठीक है अगर हम रिवर में से फिशेज निकाल रहे हैं वो क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ठीक है अब जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है वो दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मेटीरियल दैट आर यूजली ट्रांसफॉर्म्ड इंटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स बाई मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो जो ये एक्सट्रैक्टिव uh, इंडस्ट्री होती है वो बहुत सारे गुड्स जो है एज रॉ मेटीरियल के तौर पर एक्सट्रैक्ट करके uh, आगे डिलीवर करती है मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और वो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटू यूजफुल गुड्स अब इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है अभी दोबारा से रिकॉल करिए इंडस्ट्री मैंने क्या बोला कि जिसके अंदर हम सॉइल एयर वाटर में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं निकालते हैं उसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या कौन सी आती है फार्मिंग फार्मिंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बिकॉज बिकॉज हम सॉइल में से जो भी हमारी गेहूं या कनक या लाइक वीट पल्सेस जो भी हम सॉइल में से उस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज वाई फार्मिंग इसका पार्ट है दूसरी आ जाती है माइनिंग माइनिंग क्या होता है खदाने नहीं बोलते हम जैसे कोयले की खदान है यहाँ पे है ना ऑयल की खदान है मींस की हम प्रॉपर रिसर्च के साथ देखते हैं कि कोई ऐसा एरिया जिसके अंदर धरती के नीचे वो मिनरल है और हम जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज नोन एज माइनिंग ठीक है तीसरी आ गई लंबरिंग लंबरिंग मीन्स होता है कि जो ट्रीज होते हैं ठीक है टिम्बर होता है उसको काटना वो भी हमें कहाँ से मिलता है हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है दैट इज नेचुरल रिसोर्स वॉयल्स में से वो सारे ट्रीज हमारे पास आते हैं फॉरेस्ट के अंदर जब हम जब हम जाके टिम्बर काटते हैं उसे लिंबरिंग बोला जाता है ठीक है हंटिंग अब बेचारे बेकसूर जानवरों को मार के भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जैसे इनकी खाल के कपड़े बनाए जाते हैं या और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं या कई बार आपने देखा होगा हिरन के सिंग जो होते हैं वो एज डेकोरेटिव पीसेस अपने घरों में लगाए होते हैं लोगों ने है ना तो ये भी क्या है हंटिंग भी एक नेचुरल रिसोर्स है ठीक है उससे हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं फिर आ जाता है फिशिंग आप जैसे समुद्र में से फिशेज लेके आते हैं फिशेज का ऑयल निकाल के बहुत सारी मेडिसिन में यूज किया जाता है सो फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो याद हो गई आपको फार्मिंग माइनिंग लम्बरिंग हंटिंग फिशिंग सो फाइव इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्लियर फिर हमारे पास आती है जेनेटिक इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है विच आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब इसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है और उनकी ब्रीडिंग की जाती है मींस उनकी संख्या बढ़ाई जाती है फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन उनकी फर्दर रिप्रोडक्शन करी जाती है फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क हम कैटल को क्यों रेयर करते हैं ताकि वो दूध दे और दूध बेचा जाता है ठीक है तो उनको जब तक खाना नहीं दोगे तो प्रॉपर उनको रेयर नहीं करोगे तो वो प्रॉपर मिल्क नहीं प्रोवाइड करेंगे ठीक है एंड द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट जेनेटिक जेनेटिक इंडस्ट्रीज इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है इसमें हम करते तो एक्सट्रैक्ट ही है क्योंकि जो आपके पास हेन्स होती हैं वो एग्स प्रोवाइड करती हैं ठीक है थीके? लेकिन इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? किसी नेचुरल रिसोर्सेस से हम कोई चीज एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है इसके अलावा कैटल ब्रीडिंग की बात करें तो कैटल को अगर ब्रीड करोगे प्रॉपरली तो वो मिल्क प्रोवाइड करेगी ये जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है फिश हितैचरी ये क्या होती है इसके अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर फिशेज की जनसंख्या बढ़ाई जाती है रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाती है बट इन कंट्रोल्ड मैनर्स जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से ठीक है सो इन तीनों के तीनों, के तीनों केसेस में आप देखो ध्यान से कि हम नेचुरल रिसोर्सेस की बात नहीं कर रहे ठीक है पोल्ट्री फार्मिंग कैटल ब्रीडिंग फिश अटैचरी ये सारी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर होती हैं और इसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं फर्दर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्लियर है तो इज द डिफरेंस क्लियर टू एवरी वन जेनेटिक इंडस्ट्री में और दैट वन वी आर हैविंग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सो बोथ आर क्लियर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री

लेकिन जेनेटिक इंडस्ट्री में हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की रिप्रोडक्शन की ठीक है जिसके अंदर जो आ, जो भी लाइक ब्रीड्स हैं लाइक हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी हम रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी ग्रोथ करते हैं वो एक्सट्रैक्ट वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है और जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाता है सो क्लियर एवरी ये थी हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है ये जो भी रॉ मटीरियल फर्दर प्रोवाइड करती है नेक्स्ट इंडस्ट्री को उस इंडस्ट्री को कहा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री मीन्स सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद यूजिंग द मटीरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर किसी जिस भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करा गया है उसको ये एज रॉ मटेरियल यूज करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री ियल टू प्रोड्यूस फॉर फाइनल कंजम्पन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग अदर इंडस्ट्रियल तो मतलब जो भी चीजें एज रॉ मेटीरियल एक्सट्रैक्ट करी गई है या प्रोड्यूस करी गई हैं जेनेटिक में प्रोड्यूस करी गई है इन प्राइमरी इंडस्ट्री दैट आर यूज एज रॉ मेटीरियल इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रॉ मटीरियल को यूज करके उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी करती है उसकी प्रोसेसिंग करके फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इज प्रोड्यूज इन प्राइमरी इंडस्ट्री अगर गन्ने गन्नों की बात करें तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि सॉइल से हम शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वही शुगर केन यूज किया जाता है टू तो प्रोड्यूस शुगर तो जब शुगर केन नेक्स्ट इंडस्ट्री को एज रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाएगा उस इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को फिर फाइनल कंजन के लिए अनदर गुड्स में कन्वर्ट कर देती है जैसे कि शुगर केन को कन्वर्ट कर देगी शुगर में ठीक है इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री ठीक है अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी दो तरह की होती है या तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगी या वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी सो ठीक है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ठीक है ऑल दो इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल टू प्रोड्यूसिड गुड तो जितनी भी एक्टिविटीज uh, कंडक्ट करी जाती है रॉ मटीरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाई चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मेटीरियल इन टू फिनिश्ड गुड्स इसके अंदर रॉ मटेरियल को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिस फॉर्म में वो हमें एक्सेप्टेबल होगी जिस फॉर्म में वो हमें सेटिस्फाई करेगी जिस फॉर्म में वो हमें फिट टू यूज होगी ठीक है अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ फोर टाइप्स एनालिटिकल सिंथेटिकल प्रोसेसिंग असेंबलिंग फोर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर देयर एनालिटिकल सिंथेटिकल प्रोसेसिंग

क्रूड ऑयल से कैरोसिन भी बनता है क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है और क्रूड ऑयल से डीजल भी बनता है तो जब भी एक सिंगल रॉ मटेरियल से मल्टीपल डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स क्रिएट करे जाए तो वो क्या है एनालिटिकल इंडस्ट्री क्लियर फिर हमारे पास आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है इन दिस इंडस्ट्री टू और मोर रॉ मटेरियल आर कंबाइंड टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट क्लियर जैसे कि मतलब दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर दिया जाता है कंबाइंड कर दिया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट जैसे कि केमिकल्स आर मिक्स्ड वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड अगर सीमेंट बनाना हो तो सीमेंट बनाने के लिए वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टूगेदर तो ये क्या है दिस इज सिंथेटिकल राइट दिस इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री जहां पे एक दो या दो से ज्यादा केमिकल्स uh, को मिक्स करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है अब आ जाती है लिया उसको वेरियस स्टेजेस से पास ऑन होना पड़ेगा टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री अच्छा अगर मैं आपको क्लोथ uh, इंडस्ट्री की बात करूं ठीक है क्लोथ इंडस्ट्री में क्या होएगा पहले हम प्राइमरी सेक्टर हमें कॉटन देगा क्योंकि कॉटन जो है फील्ड्स में उगाई जाती है प्राइमरी सेक्टर हमें कॉटन देगा वो कॉटन फर्दर क्या होएगी थ्रेड में कन्वर्ट करी होगी सेकेंड प्रोसेस फिर उस डाइड थ्रेड से वीविंग होएगी जिसमें वो कपड़ा बनाया जाएगा पूरा ठीक है दैट इज थर्ड प्रोसेस फिर वो कपड़ा रेडी होगा फिर वो टेलरिंग के पास जाएगा टेल हम जैसे कपड़ा पसंद आया गया आ गया हमने कपड़ा ले लिया फिर उसको बाद उसके बाद हम उसको टेलर को देते हैं कि वो पूरी तरह से हमारी फिट टू यूज उसको कन्वर्ट uh, करके दे उसके बाद जाके वो चीज हमारी कंजम्पशन के लायक बनती है ठीक है तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है कि रॉ मटेरियल हैज टू पास ऑन थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट वेरी गुड नाउ कम टू फोर्थ वन इज असेंबलिंग अब असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होगा इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कॉम्पोनेट्स टू मेक नोडक्ट एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग 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 components को असेंबल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोब इंडस्ट्री की बात करो तो जो कार बनती है तो अलग 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 कॉम्पोनेंट्स को इकट्ठा करके उनको असेंबल कर दिया जाता है और असेंबल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया जाता है उसी तरह से टीवी इंडस्ट्री की बात करोगे तो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को असेंबल करके एक टीवी में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है नाउ कम टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अर्लियर दैट वॉज मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो इट इंक्लूड इंडस्ट्रीज आर इन दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एटसेट्रा ठीक है तो इसके अंदर मतलब वो इंडस्ट्रीज आ जाती है जो कि कंस्ट्रक्शन करती है बिल्डिंग की डैम्स की ब्रिजेस की रोड्स की एटसेट्रा क्लियर एवरी वन तो ये थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इसके अंदर आ जाती है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब भी आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट बनना है तो ऑब्वियसली आपको या तो आपने इंजीनियरिंग करी होगी या फिर आपने आर् आपके पास आर्किटेक्चरल स्किल्स होंगे तभी आप इस चीज का पार्ट बन सकते हो राइट right? फिर थर्ड हमारे पास आ जाती है टेस्टरी इंडस्ट्री दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर टेस्टरी इंडस्ट्री क्या होती है विच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज ये ध्यान रखना कि जो इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उसे हम कहते हैं टेरशरी इंडस्ट्रीज ठीक है प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड और जितनी भी एक्टिविटीज ट्रेड के साथ रिलेट करती है ट्रेड मतलब कारोबार के साथ रिलेट करती है उनको भी टेरशरी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है टेर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है ये किस तरह की सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन ये जितनी भी सर्विसेज हैं जो हमारे बिजनेस को हमारे ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए जरूरी हैं तो जो इंडस्ट्री ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस इंडस्ट्री को कहा जाता है टेर्चरी इंडस्ट्री क्लियर इट ट्राइज टू रिमूव वेरियस हिंड्रेंसेज और ऑब्स्टेकल्स मतलब ये कोशिश करती है कि वो सारी रुकावटें सारी हिंड्रेंसेज को रिमूव कर दिया जाए जो कि प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मैन्युफैक्चरर को फेस करनी पड़ती है क्लियर तो तीन टाइप्स की इंडस्ट्रीज हमने करी प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी प्राइमरी जो जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन होती है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के रॉ मटेरियल को मतलब प्राइमरी के फिनिश प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज करके आगे प्रोडक्शन करता है और टेचरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्लियर एवरी वन सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्री टॉपिक मेनी थिंग्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो आई ट्राई टू कवर इन फैक्ट ऑल द आस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री इन दिस सिंगल वीडियो सो इफ यू गोइ टू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट ओके एंड होप फुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैवे अ नाइस डे जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्यूरी गुरु के साथ विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड नोट ऑफ कॉमर्स सो थैंक यू सो मच